नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेकेड। लगेगा शिक्षक दरबार। जी हाँ, आपने सही देखा है थंबनेल पर कि शिक्षक दरबार लगेगा। और क्या क्या उस शिक्षक दरबार में होगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस इतना ही नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि BRP जो आपको प्रखंड संसाधन केंद्र में बैठे रहते हैं उनको करना क्या क्या है। हमेशा ये होता है कि जाके BRP को आपको शिक्षक को किसी भी एप्लीकेशन को देना होता है, अपनी प्रतिवेदन को देना होता है, अपनी बहुत सारी चीजों को उनको जाके रिसीव कराना। तो यहां हम यह भी बताएंगे कि ऐसा नहीं है, BRP आपसे प्राप्त करेंगे और वो प्रखंड में जमा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है BRP के संबंध में और शिक्षक दरबार में क्या क्या होगा। आपके स्क्रीन पे पत्र दिख रहा है, यह है आदरणीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। ये पत्रांक है आपका 84 गोपनीय और ये दिनांक है 2 जुलाई 2024। यह पत्र लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। आइए देखते हैं, चूंकि इस पत्र में बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया है, जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है विद्यालयों में उन सब चीजों का जिक्र किया है, तो हमें चूंकि यह वीडियो है शिक्षक दरबार और BRP और शिक्षकों के प्रतिवेदन और उनके एप्लीकेशन से संबंध में, तो आइए देखते हैं हम केवल उसी टॉपिक चलते हैं और देखते हैं हम 8वें नंबर पॉइंट को। और 8वें नंबर पॉइंट में आपको सारी बातें क्लियर की गई है। देखते हैं 8वां नंबर पॉइंट। 8वां नंबर पॉइंट में जिक्र है और ये इसमें आपको शीर्षक है कि शिक्षकों की शिकायतों का निवारण। यह इस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ये सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये पत्र भेज के उसके 8वें नंबर पॉइंट में कहा है कि शिक्षकों की शिकायत निवारण नामक टॉपिक से उन्होंने कहा है। उसको देखते हैं कि ऐसा देखा जा रहा है कि शिक्षकों की शिकायतें सीधे राज्य मुख्यालय स्तर पर पहुंच रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उनकी शिकायतों को न तो प्रखंड न ही जिला स्तर पर सुना जा रहा है। या उन्होंने कहा है कि जब कोई भी शिकायत राज्य स्तर पर पहुंच रही है, इसका मतलब है कि उनको प्रखंड स्तर पर उनका निवारण नहीं हो रहा है और न ही जिला स्तर पर। आगे उन्होंने कहा है कि इतना ही नहीं, प्रत्येक दिन 50 शिक्षक अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में भी पहुंच जाते हैं, 50 शिक्षक। अतः प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कम से कम प्रत्येक सप्ताह में, ध्यान रखिएगा, एक वीक में एक दिन, और दिन कौन सा निर्धारित किया गया है, शनिवार, विद्यालय अवधि के उपरांत शिक्षक दरबार लगाते हुए उनकी समस्या सुनेंगे। तो निर्धारित क्या हो गया, एक मैंने हर सप्ताह आपको, हर सप्ताह आपको, हर सप्ताह में आपको एक दिन कौन सा निर्धारित किया गया है, शनिवार। क्लियर है, शनिवार निर्धारित कर दिया गया है वो शिक्षक दरबार लगाने के लिए, जिसमें उनकी समस्याएं सुनी जाएगी। आगे देखते हैं कि और क्या क्या कहा गया है। उसमें कहा गया है कि उनकी समस्याओं पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनका समाधान करेंगे। आपके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, किसके द्वारा, आपके द्वारा मतलब डीओ के द्वारा, डीओ के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल आपके स्तर से समाधान न होने वाली समस्या या शिकायत ही राज्य मुख्यालय को पहुंचे। जिला स्तर के किसी भी शिक्षा और शिक्षकेतर कर्मी की सेवानिवृत्ति का देय लाभ विलंबित नहीं हो एवं समय पर वेतन भुगतान हो, यह सुनिश्चित करना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वेतन भुगतान का। वेतन भुगतान में कहा जा रहा है कि वेतन भुगतान आप डीओ की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, यानी उनको बड़ी पर्सनली इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, बड़ा फोकस रखना पड़ेगा उन सब चीजों को। अब फिर आगे देखते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अभ्यावेदन को एकत्रित कर जिला का सामयिक अभ्यावेदन की सूची राज्य मुख्यालय को भेजेंगे, ताकि स्थानांतरण एवं पदस्थापन का अनुरोध लेकर शिक्षक को पटना नहीं आना पड़े। किसी भी शिक्षक को प्रखंड मुख्यालय, देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है, जिला मुख्यालय नहीं बुलाया जाएगा। शिक्षकों का कार्य विद्यालय में शिक्षण कार्य करना है। आगे का सेंटेंस बहुत बड़ी बात, आपको बहुत बड़ी बात कह रहा है, मुख्यालय और जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना नहीं है। प्रतिवेदन प्राप्त करना और प्रखंड पहुंचाने का कार्य प्रखंड साधन से भी BRP का काम है। ध्यान रखिएगा, यहां वर्ड यूज किया गया है पहुंचाने, व्हाट इज द मीनिंग, पहुंचाने किसका, प्राप्त करना, उसे प्राप्त करें और उसे प्रखंड पहुंचाएं, कौन,
बीआरपी किससे प्राप्त करें, एचएम से प्राप्त करें, टीचर से प्राप्त करें, कहां प्राप्त करें, सड़क पर नहीं उनके विद्यालय में। तो यहां जब बात पहुंचाने की आ रही है प्रखंड संसाधन केंद्र पर यानी प्रखंड में पहुंचाना है, यानी शिक्षक नहीं पहुंचेगा वहां, ये पहुंचाएगा बीआरपी में, बीआरसी में, बीआरपी यानी शिक्षक से प्राप्त करेगा। आगे इस चीज को क्लियर किया गया है कि बीआरपी प्राप्त करेगा और उसे आगे भेजेगा, तो यहाँ क्लियर है। जो बैठे वहीं सब लोग रिसीव करने की जो परंपरा बनी है यह परंपरा नहीं है। संसाधन केंद्र पे जो भी आपको संसाधन सेवी हैं उनको विद्यालयों में आपको पहुंचना है और सारी शिक्षकों की जो भी आपकी समस्या उनको देखना है, क्योंकि आप प्रखंड के पूरे प्रखंड के साधन सेवी है। तो यहाँ इन सब चीजों को क्लियर किया गया है। वह विद्यालय के, वह मीन्स बीआरपी विद्यालय के प्रधान अध्यापक से प्रतिवेदन, यहाँ कहा गया है कि विद्यालय प्रधान अध्यापक से प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे और प्रखंड मुख्यालय पहुंचाएंगे, प्राप्त करेंगे, टीचर अपने एचएम को देंगे और एचएम से बीआरपी प्राप्त करेंगे और कहाँ, प्रखंड मुख्यालय पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि एचएम ही पहुंचेगा। अगर कोई बीआरपी इस तरह की बातें कहता है, इनकार करता है, तो यह पत्र उनको आईना दिखाता है। विद्यालय के शिक्षकों को यदि जिला में कोई अभ्यावेदन देना हो तो वह भी प्राप्त कर प्रखंड साधन सेवी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे। ऐसा नहीं है कि टीचर जाके जमा करे। क्लियर ऊपर कहा गया है कि चक्कर लगाना नहीं है, यहाँ कह दिया गया है कि शिक्षक का काम चक्कर लगाना नहीं है। तो ये सारा का सारा जो कहानी है ये बीआरपी को करना है, वही जमा करेंगे, वही प्रखंड को पहुंचाएंगे। आगे कहा गया ताकि शिक्षक को अनावश्यक रूप से मुख्यालय या जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़े, यानी आपको मुख्यालय में भी नहीं जाना पड़े और जिला मुख्यालय में भी नहीं जाना पड़े, यानी कोई भी अगर उनकी क्वेरीज हैं, उनका आवेदन है, जो भी आवेदन है वो कौन प्राप्त करेगा, बीआरपी प्राप्त करेगा और उसको प्रखंड मुख्यालय पहुंचाएगा। ये परंपरा जो बनी रहती है कि सीधा है, मैसेज डाल दिया जाता है तो पहुंचा दो, जी नहीं आप जाके वहां से उठाइए, ये है आपको इस पत्र की मूल बातें। यानी लगेगा शिक्षक दरबार हर सप्ताह के शनिवार को विद्यालय यानी विद्यालय के कार्य अवधि के बाद बीआरपी आप तक पहुंचेंगे और आपकी समस्याओं से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको जो भी अभ्यावेदन है वो आपसे लेंगे, जो भी प्रतिवेदन है वो प्राप्त करेंगे और बीआरसी को पहुंचाएंगे यानी प्रखंड मुख्यालय को पहुंचाएंगे, ब्लॉक आपको एजुकेशन ऑफिसर के आपके कार्यालय को प्राप्त। तो इस वीडियो में यही जानकारी थी आपके लिए, आशा है आप नए जानकारियों से अपडेट हुए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट के साथ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।